जैसे कि आज हम आपको इस टेबलेट के बारे में बताने वाले हैं, इस टेबलेट का डोज क्या होता है, इस टेबलेट को खाना कैसे होता है, इस टेबलेट का साइड इफ़ेक्ट क्या होता है, क्या दिक्कत क्या तकलीफ़ रहता है तब डॉक्टर के द्वारा यह मेडिसिन मरीज़ को प्रिस्क्राइब किया जाता है, या फिर किस प्रकार की बीमारी किस प्रकार की दिक्कत में डॉक्टर के द्वारा यह टेबलेट दिया जाता है, इसका डोज क्या होता है, ये पूरा जानकारी आज हम आपको हिंदी में बताने वाले हैं इस वीडियो में। यह मेडिसिन सबसे पहले ब्लड प्रेशर को कम करने के लिए 1970 में यूज किया गया था। इस समस्या में यह देखा गया है कि जिन लोगों का ब्लड प्रेशर कम करने के लिए यह दवा दिया गया उनमें यह देखा गया कि उनके जो बाल का ग्रोथ है वो भी यह मेडिसिन कराता है, और ये भी देखा गया कि जिनके सिर में यानी जिनके हेड में कम बाल थे एक प्रकार से, तो उनके सिर में जो बालों का ग्रोथ है वो ज़्यादा देखा गया। तो फिर इससे ये भी पता चला कि इस टेबलेट से जो सिर में बाल नहीं हैं तो इस मेडिसिन से सिर में बाल उगाया भी जा सकता है, यानी जो सिर के बाल झड़ जाते हैं या फिर सिर में बाल निकलते नहीं हैं तो इस मेडिसिन से बाल भी सिर में निकलने लगते हैं। और इस मेडिसिन पर 1987 में और भी सर्च हुआ। चलिए जान लेते हैं कि ये जो मेडिसिन है ये काम कैसे करता है। फर्स्ट मेकनिज़म होता है वाइसोडाइलेशन, यानी जो आपके सर में ब्लड का वेसल है यानी जो खून की नसें हैं उसे ये डायलेट कर देता है, यानी एक प्रकार से ये मेडिसिन ढीला कर देता है। इस मेडिसिन से आपके सर में ब्लड का फ्लो होने लगता है और ब्लड के साथ साथ वहां पर न्यूट्रिएंट भी आने लगता है और ग्रोथ फैक्टर भी आने लगता है। इसकी वजह से जो आपके सिर में एक प्रकार से बाल है वो पतला पतला जो बाल होता है वो भी एक प्रकार से मोटा होने लगता है, और आपके सिर में जो ग्रोथ है बालों का वो तेज़ी से होने लगता है। और जैसे कि आपको ये भी देखने को मिलेगा कि आपके सिर में नए बाल भी आने लगते हैं, यानी नए बालों का ग्रोथ भी होना एक प्रकार से शुरू होने लगता है। और जैसे कि ये क्या काम करता है, जो सिर में इन्फ्लामेशन की समस्या रहता है उसे भी एक प्रकार से धीरे धीरे करके ठीक करने का काम करता है, और ये एंड्रोजन एक्शन को कम करने का भी ये काम करता है। और जैसे कि आपने देखा होगा मेल या फीमेल में ये समस्या देखा गया है कि उनके जो सिर के बाल होते हैं वो झड़ने लगते हैं, वो एक प्रकार से कंटिन्यू झड़ने लगते हैं, अगर वो अपना जो फिंगर है या फिर जो अपना हाथ है आप वो अपने सिर में फेरते हैं या फिर बाल झड़ते हैं तो उसमें भी उनको देखा गया है कि उनके सिर के बाल टूटने लगते हैं, तो इस समस्या में भी ये काफ़ी अच्छा काम करता है। और जैसे कि ये आपके सिर में बालों का ग्रोथ करने में काफ़ी अच्छा एक प्रकार से काम करता है, और जैसे कि ये आपके सिर में जो सिर के बीच में एक प्रकार से जिनके बाल झड़ जाते हैं या फिर बाल निकलता नहीं है तो उस समस्या में ये जो मेडिसिन है ग्रोथ करने यानी बाल को निकालने का भी काम करता है, जिससे जो उनके सिर में एक प्रकार से गंजापन की समस्या है या फिर सिर में बाल नहीं निकलते हैं या फिर बाल झड़ रहे हैं या फिर टूट रहे हैं एक प्रकार से, तो इसमें भी ये काफ़ी अच्छा मदद करने का काम ये मेडिसिन करता है। ये मेडिसिन डॉक्टर के द्वारा और भी बहुत सारी दिक्कत बहुत सारी समस्याओं में दिया जाता है। डॉक्टर अपने एक्सपीरियंस और मरीज की दिक्कत और उसकी समस्या को देखते हुए और भी बहुत सारी समस्याओं में ये मेडिसिन प्रिस्क्राइब करते हैं। चलिए अब हम आपको इस मेडिसिन के डोज के बारे में बताते हैं। जैसे कि जो मेडिसिन का डोज होता है यह डॉक्टर के द्वारा मरीज की एज और उसकी दिक्कत और उसकी परेशानी और उसकी बीमारी यानी और उसकी समस्या को देखते हुए अपने एक्सपीरियंस के अनुसार उसके बॉडी वेट को देखते हुए इस दवा को प्रेस्क्राइब करते हैं, यानी जो उसका डोज होता है यह डॉक्टर खुद ही निर्धारित करके मरीज यानी पेशेंट को लेने के लिए बताते हैं। चलिए अब हम आपको इस मेडिसिन के साइड इफ़ेक्ट के बारे में बताते हैं। जैसे कि ये मेडिसिन लेने के बाद में अगर आपके सिर में दर्द की समस्या होने लगे, आपको खुजली या ईचिंग की समस्या होने लगे, ये नोज़िया या वोमिटिंग की समस्या होने लगे तो आप ये मेडिसिन तुरंत बंद कर दें और अपने डॉक्टर या फार्मासिस्ट से आप तुरंत संपर्क करें। इसके अलावा यदि आपको और कोई दिक्कत और कोई समस्या है तो एक बार अपने डॉक्टर या फार्मासिस्ट के पास आप जाएं, आप अपनी दिक्कत परेशानी बताएं, उसके बाद में आप कोई भी मेडिसिन कोई भी दवा उपयोग करें। कभी भी आप कोई भी मेडिसिन कोई भी दवा खुद से उपयोग ना करें। अगर आपको कोई भी दिक्कत परेशानी है तो एक बार अपने डॉक्टर या फार्मासिस्ट के पास आप जाएं, आप अपनी दिक्कत परेशानी बताएं, उसके बाद में कोई भी दवा आप लें। कभी भी आप कोई भी दवा कोई भी मेडिसिन खुद से उपयोग ना करें।